गाइस गुड मॉर्निंग। तो सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और सो के उठे हैं। रात तो मैंने व्लॉग आके बनाया था, वही मतलब खत्म कर दिया था, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सारा। गाइस अभी सो के उठे थे और ये जाने के लिए रेडी है, जाएंगे अब, रेडी होंगे। और वैष्णवी जाने के लिए तैयार हो गए अब आप? तो हाँ मैं भी धोऊंगी, आप भी धोओगे। मम्मी जी इधर आओ। ये ना ये पूछ रही वैष्णव को रात दवाई दी थी क्या? मम्मी इस दवाई की कहानी बतावेगी अभी आपको। ऐसा उम्र का तगादा है, मैंने क्या करा, तेल की मालिश करती हूँ पैर पे और पैरासिटामोल लेकर बैठ गए। आज चिपची पे हो गया ना सच्ची पक्की। मंडी बड़ी पैर पर अगर मैं मंडी बड़ी तो है क्या यो, तो देख तो ले यो तेल है। बहुत देर अभी लगनी पड़ी, लगनी पड़ी। पांच मिनट कितने टाइम बता से भी नहीं हमारी सब कैसे काम कर रहा है। चश्मा लगा दो, पैर दिखाई अपना, सूझ रहा भी हल्का हल्का। नहीं आराम, मम्मी के पैर में बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी चोट लगा पैरों में लगा मम्मी के हमेशा। तो 2 महीने हो गए पर फिर भी चलने वाली हूँ। मंडी बड़ी करके मंडी बड़ी पैरों में हुआ था आराम, वैसे हुआ तो होगा इसे चश्मा तोड़ दिया था रात। मच्छर लड्डू, पापा जाएंगे बेटा, अब जा पापा जाएंगे, मन लग जाएगा आपका। क्या खाओगे पापा? कभी दिमाग सड़कता है मेरा। क्या खाओगे? मेरा दिमाग थीन लग रहा है। ससुर जी को बता दो क्या खाओगे। अभी टेस्ट करेंगे ना के छोरा बच्चे मेरा चंद बंधु मशीन में देगी। देखो पत्थर वेल रख रखी है, ये बिना जूस बनाना था तो ऐसे रखी है, बनाएंगे। और देखो मेरा पर्स चोरी सब ऐसे पड़ी है, सब सफाई करनी पड़ेगी। लड्डू राधे राधे, कान्हा भैया अब तक उठेंगे सो के? उठा दो कान्हा भैया, उठ जाओ। कैसे देख रही कान्हा भैया, उठ जाओ। निन्नी खोलो अपनी, राधे राधे बोलो मौसी की। लड्डो पूरा तो कि मौसी को नहीं भागे लेती रही। बूढ़े के पापा जाएंगे तो उनके लिए आज स्पेशल नाश्ता बना रही है उनकी सारी साहिबा, तो दिखाती हूँ क्या बना रही है। हाँ तो यहाँ पे बन रहा है उनके लिए बनाना शेक, और आलू बॉईल कर रहे हैं, तो वर्षा बना रही है उनके लिए कटलेट, क्योंकि वर्षा हमारी मास्टर शेफ है, इस पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आती है खाने के लिए बनानी। तो बर्फ भी डाल दिया, केले भी डाल दिया, दूध डाल लेगी तो पता ही नहीं। और मम्मी कर रही है अभी बड़े वाले ताई जी से बात, क्योंकि जो बड़ोत में चाचा जी रहते हैं उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनका पता लेके आना। और पापा जी भी आ गए। हाँ पापा इधर से कहा था, कभी वो नहीं कहते बेटा आ जा या फोन पर बात कर ले, ऐसे हमारे पिताजी ठीक ठाक रहो यही तो पिताजी को बात नहीं करनी चाहिए क्या? ये तो बताओ, जब पापा हो गया लड़की को ना बात करनी चाहिए अपने बच्चों से, ये कभी मेरे से बात नहीं करते। पहले तो वैष्णवी से बात कर लेते, वीडियो कॉल पर तो भी नहीं करते। कटलेट बनाना सिखाएंगे हम, तो अभी जो है ब्रेड की कटिंग चल रही है। विधान याद आ रहा यहाँ पर, तो इस ब्रेड के ना ये चारों तरफ से हटा रहे हैं और इस तरीके से बना रहे हैं। और आलू बॉईल होने के लिए रख दिए यहाँ पे, और वर्षा पीस रही है सिलबट्टे पे हरी मिर्च, क्योंकि हम ना सिलबट्टे ही यूज करते हैं, इतने अच्छे अच्छे जमाने में जो है सिलबट्टा यूज हो रहा है, और हमारी वर्षा बहन पीस रही है ना, वर्षा बहन है न।
मेरी प्यारी बहन मैंने सब सीखा रखा ये तो बात है ट्रेंड कर रखी सब आया इसमें समोसे रखी समोसे कौन से अच्छा मगर सब तो खराब हो गए पिट्ठी वाले समोसे हो गए वेरी गुड पापा जी पापा जी पे सारा काम करना है तो गाइस हमने अनाज ले लिया है कितने लिया मम्मी यहाँ पे अनाज ये 5 क्विंटल 5 क्विंटल अनाज लिया मम्मी ने एक तेरे नाम का तू अच्छा तेरे नाम का भी तो ये लिया हमने सही है गाइस तो वैसा बना रही है कटलेट ब्रेड के तो दिखाते हैं आपको अभी जो है ब्रेड लेके आए थे और ब्रेड जो चारों तरफ से कट कर दिए और इस तरीके से निकले सब पीस का पीस और जिसके साइड का पीस था ना उसका जो है भूरा बना दिया है मतलब ऐसे ऐसे कर दिया तो चूर दिया उसे और आलू के साथ में जैसे मिक्स करेंगे अभी आलू बॉइल कर रहे थे ना उसके अंदर इसे मिक्स कर रहे हैं तो स्वाद अनुसार डाला है अभी नमक और अभी डाल दिया इसमें गर्म मसाला है ना चाट मसाला ये वाला और इसमें हरी पिसी मिर्च क्योंकि हम लाल मिर्च खाते नहीं है तो इसलिए हरी मिर्च डाली है और कुछ जो है इसमें कुछ नहीं डालेंगे डालेंगे बस हाँ हाँ बेटा हाँ और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है अच्छे से नमक और मिर्च मिक्स हो जाए और इसकी जो है एक पेस्ट तैयार हो जाएगा है ना देखो मुझे तो इतने पता है मैं तो नहीं बता रही अपनी लैंग्वेज में हम तो पिट्ठी बोलते हैं पिट्ठी तैयार हो जाएगी और उधर वर्षा ने जो है तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई के अंदर गाइस तो पिट्ठी भी रेडी हो गई है और अभी ना वर्षा इसको लेकर ब्रेड को और पानी के अंदर डिप करके अच्छे से जो है पानी निकाल के इसका काना जी का बना रहे हैं फिलहाल और इसके अंदर पिट्ठी को रख के अच्छा इस तरीके से तेज तो कर देते कढ़ाई कढ़ाई अच्छा सेप अपने हाथ से हम कैसे बना सके और इसे ना यहाँ पे तल देंगे और वो करिए अपने दादू से बात अभी अब जो है एक एक करके ना सारी वर्षा इन्हें भर देगी है ना सब भर के एक साइड में रख देंगे और एक एक करके तल देंगे और ये हमारी मैडम जी आ गई यहाँ पे गंदगी फैलाने के लिए वैसे बाहर चलो आओ बाहर आओ पेट बनकर अभी जो रेडी हो रहे हैं और मुझसे ना इसी तरीके से आता है बताना दो एडजस्ट करे ना सीखूंगी कि मतलब कैसे कैसे बोला जाता है जब कुकिंग करते हैं वरना अपनी लैंग्वेज भाई वैशु वरना मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूंगी आपको कि हम किस तरीके से बताते हैं जैसे कि पिट्ठी होगी या ऐसा दबा दिया और ये ब्रेड हो गया इस तरीके से तो लैंग्वेज हमारी अपनी है इसी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं आप कमेंट करके बताना अपनी लैंग्वेज में बताऊँ या जो है जब कुकिंग करते हैं तो उस लैंग्वेज में बताऊँ वैसे जो मैं अपनी लैंग्वेज बताऊंगी ना वो ज्यादा मेरे लिए आसान रहेगा वरना मैं खिचक खिचक का बोलूंगी और जो देखिए ये तो यहाँ पे लगी हुई है ये नहीं कहाँ बैठी कड़ी के बराबर में वैसे आप यहाँ पे क्यों बैठी निकलो यहाँ से ये भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए और कटलेट भी बनकर रेडी हो चुके हैं कान्हा जी के पहले कान्हा जी को देंगे उसके बाद इन्हें देंगे चलो ऐसे बाहर जाओ क्या जी उधर से ताओ जी के हाथ से नहीं नहीं सही है मम्मी ने मैंने मम्मी से बात हो गई थी मम्मी ने कहती है ताओ के हाथ से लगी हो चलो मैं बेल दे दस बेल तो तो गाइस कटलेट बनकर हो चुके हैं रेडी अब ये कान्हा जी को देंगे पहले कान्हा जी लाएंगे उसके बाद खाएंगे तो कमेंट करके बताना कि कैसे लगे देखने में और आप भी अपने घर पे बना सकते हो सुबह के टाइम नाश्ते में बन
बनाएंगी? ये वैष्णव प्रसन्न जो है अभी सेप में बनाई। कैसे लग रहे? टेस्टी। कुछ है। कमी तो नहीं है, ठीक है। सही सही बताइए हो, सही है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको आज का ब्लॉग लगा कैसा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे।